एवरीवन दोस्तों, महाटीटी के जो सर्टिफिकेट है, आपके प्रमाण पत्र है, वो डिस्ट्रीब्यूशन करना शुरू हो चुके हैं। इसकी शुरुआत अहमदनगर जो डिस्ट्रिक्ट है उसके जो शिक्षण अधिकारी है, एजुकेशन ऑफिसर है, उन्होंने इसका लेटर इशू किया है। मतलब जो अहमदनगर जिला परिषद है वहाँ पर उसका डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो चुका है। तो इसका ये भी मतलब है कि आने वाली हर जगह, हर डिस्ट्रिक्ट में, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में वो डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। उसमें कुछ आगे पीछे रहेगा। तो क्या लेटर क्या कहता है ये जो महाटीटी है उसका प्रमाण पत्र, मतलब सर्टिफिकेट वितरण करने के बारे में है। वितरण करना मतलब जो बच्चे पास हुए उनको देने के बारे में। तो एग्ज़ाम कब हुई थी? 21/11/2021 को एग्ज़ाम हुई थी। उसका रिजल्ट आया था 23/12/2022 को, ठीक है। तो अब उसके सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू हो चुके हैं। तो ये अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट का है, वहाँ की जिला परिषद अपने जो डिस्ट्रिक्ट के बच्चे हैं उनको डिस्ट्रीब्यूशन करना शुरू कर चुके हैं। तो आप अहमदनगर जो जिला परिषद है वहाँ पर जो प्राथमिक शिक्षक विभाग है, तो मतलब जो अहमदनगर के बच्चे हैं उनके लिए, और जो अदर डिस्ट्रिक्ट के बच्चे रहेंगे वो अपने जो जिला परिषद है अपने ज़िले की, वहाँ पर जिला परिषद में एक प्राथमिक शिक्षण विभाग होता है। वहाँ पर जाने के बाद मैं पूछ लेना, आपको कोई भी बता देगा कि प्राथमिक शिक्षण विभाग कहाँ है और कौन सा है, तो आपको बता दिया जाता है। तो ये अहमदनगर कार्यालय में मतलब ऑफिस में अवेलेबल रहेगा। तो कब से? 29 तारीख से लेकर 29 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक आपको सर्टिफिकेट लेने जाकर वहाँ से। और उसका टाइमिंग रहेगा सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक। तो जब छुट्टी नहीं रहेगी उसके अलावा ना, तो संडे को चले जाएंगे और बोलेंगे कि आपने तो कहा था। तो जहाँ पर शासकीय छुट्टी मतलब गवर्नमेंट जो हॉलीडे होते हैं उसको छोड़कर आपको जाना है इन दिनों के बीच में और अपना सर्टिफिकेट ले लेना है, ठीक है। उसके लिए क्या आपको साथ में लेके जाना है, तो उन्होंने पूरी लिस्ट दी है उसकी। तो एक एक समझाता हूँ मैं आपको डॉक्यूमेंट क्या लेके जाना है। पहले तो आपको जो महाटीटी है उसका जो आपका हॉल टिकट था उसको लेके जाना है। फिर जो ऑनलाइन गुण पत्रिका आपको मिली थी वो लेके जाना है। फिर आपने डीएड किया होगा या फिर आपने बीएड किया होगा, तो उसका सर्टिफिकेट उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र या फिर उसका रिजल्ट भी चल जाएगा। आपने डीएड और बीएड की जो डिग्री है वो, या फिर उनके जो रिज़ल्ट है तो वो भी लेके गए तो चले जाएंगे, मतलब काफ़ी है वो लेके जाने के लिए। रिज़र्व वाले जो भी बच्चे हैं तो उन्होंने अपना रिज़र्व का जो ओबीसी में ओबीसी का लेके जाना, जो एसटी में एसटी में, एससी में जो एसटी का सर्टिफिकेट लेके जाना। तो जो भी रिजर्वेशन में पास हुए हैं, जैसे ईडब्ल्यूएस वाले स्पेशली उर्दू मीडियम के बच्चे, तो ईडब्ल्यूएस में अगर आप पास हुए तो आपको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट साथ में लेके जाना है। जो फिज़िकल हैंडीकैप है तो उन्होंने अपना सर्टिफिकेट लेके जाना। जो माजी सैनिक है, फॉर्मी आर्मी पर्सनल है, उन्होंने अपना लेके जाने का सर्टिफिकेट। साथ साथ सभी को आपका आधार कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, पेन कार्ड या फिर इलेक्शन कार्ड, इनमें से कोई एक आइडेंटिटी कार्ड लेके जाना है आपको साथ में। तो इन सारे डॉक्यूमेंट को लेके जाने का, उसके बाद में आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। शेयर कीजिए। और एक बात आप सब याद रख लो कि इसकी ना लिमिटेड डेट है। मतलब देखो यहाँ पर ये सर्टिफिकेट देने की इन्होंने डेट लिमिटेड दी है 29 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक, मतलब 8 दिन का टाइम दिया है कुल मिला के। तो आप भी अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में थोड़ा ध्यान रखो उसको। जब भी आपका लेटर इशू होगा तो उसके बीच में अपने अपने डिस्ट्रिक्ट से लेके आ जाना, ठीक है। वैसे भी जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन मेरे तक आएंगी मैं आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।